प्रदेश में हो रहे सियासी संग्राम में अब सबकी नजरें राजभवन पर टिकी हुई हैं। इसी बीच सरकार की ओर से विधानसभा सत्र बुलाने के लिए भेजी गई फाइल को राज्यपाल ने फिर से लौटा दिया है। मंत्री बीडी कल्ला ने यह बताया कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में है और इसीलिए विधानसभा सत्र आहूत करने की मांग राज्यपाल से की जा रही है, लेकिन राज्यपाल लगातार फाइल लौटा रहे हैं। सत्र नहीं बुलाने के कारण कोरोना काल में आम जनता को हुई समस्याओं के मुद्दों पर सदन में चर्चा नहीं हो पाएगी और जनता को अधिक परेशानी उठानी पड़ेगी। हमारे साथ मौजूद मंत्री जी, लगातार इनकी राजभवन और सरकार के बीच जो गर्माहट वो कम नहीं होती नजर आ रही है। तीसरी बार फाइल लौटा दी गई है, ऐसे में फिर से इनकी अब किस तरह से जो किन किन मुद्दों पर इनकी राजभवन ने फाइल लौटाई है, किन किन प्रमुख जो मुद्दे हैं वो बताए गए हैं और उन पर किस तरह से समाधान पेश करके फाइल वापस दी जाएगी? देखिए, अभी फाइल किन मुद्दों पर कराई है तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ, मैं पार्टी का चीफ व्हिप भी रहा हुआ हूँ, अध्यक्ष रहा हुआ हूँ, छठी बार चुनकर आया हूँ, आज तक कभी किसी राज्यपाल महोदय ने मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर असेंबली बुलाने के लिए मना किया, ये पहला ही उदाहरण है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर उनको पुनर्विचार करके और सदन को तत्काल आहूत करना चाहिए। तमाम मुद्दों को लेकर विधानसभा सत्र आहूत करने के लिए सरकार बात कर रही थी, ऐसे में इस तरह से अगर राजभवन की ओर से सत्र नहीं बुलाया जाता तो किन कितनी समस्याएं सामने आती है? देखिए, अभी टिड्डी की समस्या है, राजस्थान में मानसून जो है वो नाराज हो रहा है, किसानों की समस्याएं हैं, आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तत्काल विधानसभा आहूत करने की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ विधानसभा जब आहूत हो जाएगी तो इन मुद्दों पर चर्चा करने का मौका मिलेगा। सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है? पर्याप्त बहुमत है सरकार के पास? निश्चित रूप से पर्याप्त बहुमत है, तभी तो बुला रहे हैं, नहीं तो लोग विधानसभा से भागते हैं। हम तो खुद उनसे आग्रह कर रहे हैं कि विधानसभा बुलाई जाए। तो ये थे मंत्री बीडी कल्ला, जिनका कहना है कि पर्याप्त बहुमत था तभी इनकी विधानसभा बुलाई जा रही थी, लेकिन राज्यपाल की ओर से अभी तक किसी भी तरह से इनकी जो सत्र बुलाने की अनुमति वो नहीं दी गई है। जयपुर से कैमरामैन नेमिचंद पांचाल के साथ मैं लोकेश सोला A1 TV।